नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। राहुल गांधी का घर खाली कराया जा रहा है, इसे इस तरीके से देखिए। आपकी ओपोजिशन का सबसे बड़ा नेता, पहले उसकी सदस्यता रद्द की जाती है, सूरत कोर्ट में केस चलता है, उनसे माफी मांगने को बोला जाता है, और राहुल गांधी ने पहले ही क्लियर कर दिया कि अगर मैं सत्य के लिए बोल रहा हूं, अगर मैं सच के लिए बोल रहा हूं, तो ना ही मैं माफी मांगूंगा, ना ही कोई कांग्रेस का नेता माफी मांगेगा। इसके बाद उन्हें 2 साल की सजा सुना दी गई थी, और दूसरी तरफ कुछ घंटों के अंदर उनकी सदस्यता लोकसभा की कैंसिल कर दी गई थी। अब खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी का घर खाली कराया जा रहा है, जो कि उनको सरकारी आवास मिला था, उसे खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है, और उसका जवाब भी राहुल गांधी देते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपके सामने लेटर रखूंगा, और राहुल गांधी दोस्तों क्या कहते हुए नजर आ रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान, वो भी आपके सामने रखूंगा। राहुल गांधी के उस स्पीच में राहुल गांधी ने बताया कि उनके पास कोई भी घर नहीं था। क्या सच में सरकार इस समय कांग्रेस को दबाने की कोशिश कर रही है? लगातार एक के बाद एक राहुल गांधी के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों इस तरीके की बात मल्लिकार्जुन खड़गे करते हुए नजर आए, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। लगातार ये कहते हुए नजर आए कि दबाया जा रहा है राहुल गांधी को, राहुल गांधी के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, ताकि कांग्रेस को कमजोर कर दिया जा सके। फिलहाल आपके सामने राहुल गांधी का वो लेटर रखना चाहूंगा, जहां पर राहुल गांधी ने रिप्लाई करते हुए ये कहा है कि हाँ, मैं आवास खाली कर दूंगा। आपके स्क्रीन के सामने राहुल गांधी का वो लेटर। थैंक यू फॉर यू लेटर ऑफ मार्च 27, 2023 रिगार्डिंग द कैंसिलेशन ऑफ माय एकोमोडेशन एट 12 तुगलक लेन। एज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा ओवर द लास्ट 4 टर्म्स, इट इज द मैंडेट ऑफ द पीपल टू विच आई ओन द हैप्पी मेमोरीज of my time spent here. Without prejudice of my rights, I will of course abide by the details contained in your letter. Sincerely, नीचे आप दोस्तों राहुल गांधी का सिग्नेचर देख सकते हैं, और साथ ही साथ राहुल गांधी का नाम लिखा हुआ है। फिलहाल दोस्तों ये राहुल गांधी का लेटर था, जब उन्हें ये कहा गया कि उन्हें अपना आवास खाली कर देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक राहुल गांधी के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, पहले उनके ऊपर 2 साल की सजा सुनाई गई, उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, और अब उनका आवास भी छीन लिया गया। क्या कांग्रेस के ऊपर लगातार प्रहार हो रहा है? मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया भर में इसे लेकर चर्चा देखने को मिल रही है। बड़े से बड़ा न्यूज ऑर्गेनाइजेशन राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर स्पेस देता हुआ दिखाई दे रहा है अपने अहम हिस्से में। फिलहाल ये बात तो पूरी दुनिया भर में जाहिर हो जाएगी कि राहुल गांधी का आवाज भी छीन लिया गया है। सच में क्या देश के अंदर जिस तरीके से ओपोजिशन के ऊपर प्रहार किया जाता है वो सही है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हाल ही में कांग्रेस का अधिवेशन देखने को मिला था, जहां पर राहुल गांधी ने जनता के सामने ये बात क्लियर किया था उनके पास खुद का कोई घर नहीं है। इस तरीके की बातें कहते हुए नजर आए थे, वो शॉक्ड भी हुए थे जब उनसे पहली बार उनका घर सरकारी आवास खाली कराया जा रहा था। आपके सामने वो इमोशनल स्पीच भी राहुल गांधी की मैं रखना चाहूंगा, देख लीजिए। एक दिन घर में अजीब सा माहौल था, मैं माँ के पास गया, बैठी हुई है, इधर नहीं देख रही है, माँ के पास गया, मैंने माँ से पूछा क्या हुआ, और माँ कहती है हम घर छोड़ रहे हैं। तब तक मैं सोचता था कि वो घर हमारा था, तो मैंने माँ से पूछा, माँ हम अपने घर को क्यों छोड़ रहे हैं? और पहली बार माँ ने मुझे बताया कि राहुल ये हमारा घर नहीं है, ये सरकार का घर है, और अब हमें यहां से जाना है। मैंने माँ से पूछा, माँ कहाँ जाना है? कहती है नहीं मालूम कहाँ जाना है। मैं हैरान हो गया, मैंने सोचा था कि वो हमारा घर था। 52 साल हो गए, मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं है। 12 तुगलक रोड पर सरकारी आवास राहुल गांधी का खाली करा दिया जाता है। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरी खबर को? क्या सच में कांग्रेस को दबाने की कोशिश की जा रही है? जैसा कि पहले नारे दिए जाते थे कांग्रेस मुक्त भारत, क्या उस पे सरकार चलते हुए दिखाई दे रही? क्या उस पे मेन स्ट्रीम मीडिया चलते हुए दिखाई दे रही? आज के दौर में विपक्ष के ऊपर लगातार एक के बाद एक प्रहार किया जाता है। मैं विपक्ष इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी एक अहम चेहरा है विपक्ष का। आप सभी को पता होगा, अगर विपक्ष की बात की जाए, सबसे बड़ा चेहरा सामने निकल कर आता है तो वो राहुल गांधी का होता है। ऐसे में लगातार राहुल गांधी की कभी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, कभी उनके घर को खाली कराने को बोल दिया जाता है। और अगर मैं बात करूं, लगातार कांग्रेस ये कहते हुए दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि अडानी को लेकर जांच बैठा ली जाए, जेपीसी की जांच इस पे बैठे, इसलिए राहुल गांधी के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। लगातार कांग्रेस प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रही है, काले कपड़ों में कांग्रेस दिखाई दे रही है, लगातार देखने को ये दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रहा है।
अपनी राय जरूर दे पूरी खबर को लेकर, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या सच में आपके हिसाब से ये काम जो किया गया, राहुल गांधी से कहा गया कि उन्हें अपना सरकारी आवास खाली करना होगा, हालांकि अगर नियमों के हिसाब से देखा जाए तो ये किया जाना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी लगातार एक्शन जो लिया जा रहा है, क्या सही है? अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लेटेस्ट न्यूज़ के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।